अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो की जो टॉपिक है वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लाइज हाउसिंग अथॉरिटी में जो वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, इसी के बारे में आज की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते अपने वीडियो की जानिब। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप दोस्तों को मिल जाएगा, वहां से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप जैसे इसकी होम पेज में आएंगे तो यहाँ पर करियर वाले सेक्शन पे आपने क्लिक करवा देना है। रिसेंट जॉब में आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से एडवर्टाइजमेंट आप दोस्तों के सामने आ जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर जो वैकेंसी अवेलेबल है, डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर बीपीएस 16 स्किल है, एक आसामी खाली है। सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री एचएससी से रजिस्टर्ड हो, आपने पास किया हो, एज की लिमिट 35 साल से ज्यादा ना हो, केपीकेसी एक आसामी खाली है। इस तरह से असिस्टेंट बीपीएस 15 स्किल है, दो आसामियां खाली है। सेकंड डिविजन बैचलर आपने पास किया हो, कंप्यूटर में एमएस ऑफिस की नॉलेज हो आपके पास, 35 साल से उम्र ज्यादा ना हो, मेरिट पर एक आसामी और संद रूलर से एक आसामी खाली है। इस तरह से कैशियर बीपीएस 14 स्किल है, एक आसामी खाली है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपने फाइनेंस में पास किया हो, कंप्यूटर के नॉलेज हो आपके पास, 30 साल से उम्र ज्यादा ना हो, मेरिट पर एक आसामी खाली है। सीरियल नंबर 4 पर सब इंजीनियर सिविल EMBBS 14, दो आसामियां खाली है। डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपने पास किया हो, 30 साल से उम्र ज्यादा ना हो, मेरिट पर एक आसामी खाली है। और खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी एक आसामी खाली है। इस तरह से सीरियल नंबर 5 पर डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 स्किल है, 14 आसामियां खाली है। सेकंड क्लास बैचलर डिग्री आपने पास किया हो, मिनिमम टाइपिंग स्पीड 1000 की डिप्रेशन पर हावर्स के हिसाब से हो, 30 साल से उम्र ज्यादा ना हो, मेरिट पर 2 आसामी, पंजाब से 4, एक आसामी मिनोरिटी कोटे के हिसाब से, संद रूलर के लिए 2, अपर के लिए 1, केपीके के लिए 3, पाठा के लिए 1, आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी एक आसामी खाली है और डिसेबल कोटे के हिसाब से भी एक आसामी खाली है। सीरियल नंबर 6 पर स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्किल है, अपर डिवीजन क्लर्क भी इसमें मौजूद है, 14 स्किल है, 4 आसामियां खाली है। इंटरमीडिएट के लेवल से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल से उम्र ज्यादा ना हो, मेरिट पर एक आसामी, खैबर पख्तूनख्वा से 2 और संद रूलर के लिए भी एक आसामी खाली है। नीचे इसमें आप आएंगे गार्डवार BPS 11 स्किल है, सीनियर सुपरवाइजर लोअर डिवीजन क्लर्क पटवारी 9 स्किल, सिक्योरिटी गार्ड ड्राइवर डुप्लीकेट मशीन ऑपरेटर नायब कासिद सिक्योरिटी गार्ड चौकीदार, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 42 आसामियां खाली है, पंजाब के लिए 11, संद रूलर के लिए 3, संद अपर के लिए 1 आसामी, केपीके के लिए 3 आसामियां, बलूचिस्तान के लिए 1, पाठा के लिए 1 और आजाद जम्मू कश्मीर के लिए भी 1-1 आसामी खाली है। नीचे इसके टर्म एंड कंडीशन को भी आप रीड कर सकते हैं। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं जैसे की वेबसाइट पे आएंगे, डाउनलोड चालान पे हम क्लिक कर लेंगे, इस तरह से चालान फॉर्म होगा, आपने इसको फिलअप करके अस्करी बैंक में सबमिट करवा देना है। इसके बाद आपने ये जो FGEHA कॉपी है आपने इसी की वेबसाइट पे आना है, अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक करवा देना है। आप दोस्तों के सामने इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, अपना फुल नेम देना है, वालिद साहब का नाम, CNH नंबर, जेंडर मेल एंड फीमेल, जिस पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर मेंशन करवा देना है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कितनी है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं, टाइपिंग स्पीड कितने डिप्रेशन के हिसाब से है आपकी, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल जिस सूबे से आपका ताल्लुक है, डोमिसाइल सिटी आपने यहाँ पर मेंशन करवा देना है, स्पेशल कोटा नॉन डिसेबल मिनोरिटी, करंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, चालान डेट जिस डेट पे आपने चालान पेड किया हो, अटैच चालान CV भी यहाँ पर आपने अपलोड करवा देना है और सेव एंड प्रिंट पे आपने क्लिक करवा देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप इन वैकेंसियों में जिसको आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी, पसंद आने की सूरत में काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर अपडेट को आप दोस्तों को वक्त पर मिल सके। ऐसे के साथ दीजिए अपने भाई को इजाजत, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।